तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हियर रश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल यश कुमार तेरे फैमिली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया और अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं कुछ अपनी बाइक है उसमें कुछ छोटा सा मोड़ करवाने वाला हूँ। मैंने आप लोग को बोला था कि मैं बाइक में कुछ ही मोड़ कराऊंगा, तो उसके सब आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं क्या मोड़ करवाने वाला हूँ उसको थोड़ा आपको हिंट देता हूँ मैं। ये अपना जो मिरर है, मैं उसको चेंज करने का सोच रहा हूँ। आफ्टर मार्केट और जो साइड बार मिरर आता है वो इंस्टॉल करने का सोच रहा हूँ। अभी उसमें भी तीन चार टाइप के हैं। अभी मैं उसमें शॉप पे जाके डिसाइड करूँगा कि मेरे को कौन सा वाला साइड बार मिरर है वो इंस्टॉल करवाना है, क्योंकि ये वाले मिरर भी जो अपने कंपनी फिटेड है वो भी अच्छे हैं। इसमें क्या, आप कोई भी हाई स्पीड में चलाओ तो वाइब्रेशन आता है, उतना वाइब्रेशन नहीं आता। बट जो आफ्टर मार्केट वाला आप जो डलवाते हो उसमें तो बट तभी मैं सोच रहा हूँ, अभी देखते हैं कौन सा वाला इंस्टॉल करवाना चाहिए मेरे को। मेरे ध्यान में तो मैंने शॉप वाले को बोल के रखा है, मेरे को एक वाला बहुत पसंद आया, उसके पास वो अवेलेबल है। तो मैंने उसको बोला कि तू ये वाला जो है साइड बार मिरर वो साइड पे निकाल कर रख, क्योंकि मेरे को इंस्टॉल करवाना। तो देखते हैं, आज मैं सोच रहा हूँ इंस्टॉल करवाने का। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं जो अपनी कंपनी वाला है वही रखूँ या जो आफ्टर मार्केट वाला जो साइड बार मिरर है वो इंस्टॉल करवाओ, क्योंकि इसमें ये लुक में अपनी बाइक अच्छी लग रही है, बट जो साइड बार वाला मिरर आता है उसमें बाइक अपनी थोड़ी और अच्छी लगेगी और थोड़ा बल्की लगेगी। कि जो ये मिरर है ना अपना ये वाला, वो क्या पूरा निकल जाएगा, साइड वाला बाहर रहेगा, तो क्या थोड़ा बहुत अच्छा लुक रहेगा, लगेगा अपने बाइक का। ऐसे अपनी बाइक तो अच्छी दिखती। तो भाई जस्ट अभी बाइक का तो ये रहा, और अपने ये वाला मिरर है। मैंने ये वाला प्रिफर किया क्योंकि मैंने आप लोग को बोला कि मेरे को ये वाला चाहिए था। आप लोग ने अपाची 200 में देखा होगा, मेरे पास तो पहले था, उसका क्वालिटी थोड़ा डिफरेंट था, इसका क्वालिटी बहुत हाई है। मैंने बहुत सारे अपने सुपर बाइक में भी देखे, बहुत जनों ने इंस्टॉल करवाया ये वाला मिरर, तो मेरे को ये वाला चाहिए था। इसको क्या आप साइड बार भी रख सकते हो, वैसे नॉर्मल जो अपना है ना वैसा भी कर सकते हो, 2-in-1 है, आपको जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। बट मेरे को साइड में ही लगाना था, साइड बार ही करना था, तो इसके लिए फिर मैंने ये वाला प्रेफर किया, मेरे को ये वाला चाहिए था। तो इसके साथ क्या, बहुत सारे एलन कीज भी है, एलन की के नट भी है और एलन की, और इसमें लगता है दो अलग अलग टाइप के दिए। ये जो क्रोम में है और एक ब्लैक में है, मतलब आप लोग को जो जय वाला लगाना है वो वाला अपने लगा सकते हैं, मतलब आपको ब्लैक को इतना दिखेगा नहीं। ओके, मतलब लोग ने दो क्यों दिया है, जिसको इधर लगाना उन लोग के लिए अलग नट है और इधर के लिए अलग नट है। तो लगता है इधर के लिए मेरे को क्रोम वाला लग रहा है, जो है ना ये वाला लग रहा है मेरे को, आप देख सकते हैं। ये कुछ नहीं, अपने बाइक पे भी ऐसे भी लगाई है, तो मेरे को लग रहा है आई थिंक वही वाला यूज़ हो जाएगा जो पहले बाइक में अपना लगा है, वही वाला यूज़ हो जाएगा। देखते हैं, अगर नहीं फिट हुआ तो फिर अपने पास तो एक्स्ट्रा पड़ा ही है, तो ये वाला यूज़ कर लेंगे। और इसका बॉक्स भी देखो एकदम प्रीमियम बॉक्स है, तो क्या थोड़ा लुक भी अच्छा आ रहा है। तो साइड बार मिरर लगाने के लिए पहले ऊपर का खोलना पड़ेगा, अपने को जो ओरिजिनल कंपनी फिटेड मिरर है वो खोलना पड़ेगा, तभी वो नीचे वाला भी इंस्टॉल होगा। नहीं तो क्या, उसके वजह से क्या थोड़ा ये जो साइड बार मिरर है उसका लेंथ का थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे का टच हो जा रहा है। तो पहले इसको अपने को ये निकालना पड़ेगा, फिर जो साइड वाला है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। नीचे हूँ एलन की, ठीक है, अच्छा नीचे नट पकड़ा पड़ेगा। तो जैसे तो मिरर तो निकाल दिया, अभी कुछ नहीं, अपने इसको भी रखेंगे। बाइक तो बिना मिरर के भी अपनी अच्छी लगेगी, पर अपने सेफ्टी के लिए अपने राइड करते हैं तो क्या उसमें कंपलसरी चाहिए अपने को, नहीं तो बाइक तो क्या बिना मिरर के भी अपनी देखो कैसे दिख रही है, फ्रेम में देखो बिना मिरर के क्या अच्छी लग रही है अपनी बाइक। बट नहीं, मिरर इज़ कंपलसरी, अगर आप राइड करते हो तो आप लोग को मिरर प्रेफर चाहिए आपको आगे पीछे देखने के लिए। विदाउट मिरर तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि आप बाइक चलाओ, क्योंकि मिरर तो कंपलसरी अपने जब भी आप बाइक चलाते हो उसके लिए। तो ये वाला इंस्टॉल हो रहा है अभी, पहले क्या भाई ने जब इंस्टॉल किया था ना तो क्या ब्रेक में दबा रहा था ना, तो ये वाला जो ना पार्ट ब्रेक पे टच हो रहा था, तो क्या ब्रेक बराबर से लग नहीं रहा था, तो मतलब उसमें एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब अपने एडजस्ट कर सकते हैं। तो भाई ने कुछ नट लगाया तो अपना क्या जो अपना मिरर का जो लेंथ था वो बड़ा हो गया, तो अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे नहीं हो रहा, अभी एडजस्ट हो गया और एक वाला लग गया, मतलब उसने इसको कैसे भी एडजस्ट करके कर सकते हैं अपने इसको। तो एक लुक देखो ये अच्छा दिख रहा है, मतलब अच्छा, मतलब जितना प्रीमियम लोगे उसमें तो आपको थोड़ी बहुत फैसिलिटी मिलती है। ये बस ये आप देख सकते हो एडजस्टेबल है, इसको थोड़ा टाइट करवा दूंगा मैं, इसको टाइट कर देंगे तो क्या ये हिलेगा नहीं, हिल रहा है तो, और बाकी तो ठीक है। ये थोड़ा बहुत यहाँ से ऐसा कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं देखेंगे, अगर वहाँ पर कुछ ओरिंग जैसा लग जाएगा तो देखेंगे। देख सकते हो आप बादल तो आ गए, बारिश आने वाला है, बस बारिश नहीं हो, एक तो लग गया अपना मिरर, बस एक ही बाकी है, एक लग जाए उसके बाद कितनी भी बारिश आए चलेगा, बट अभी इंस्टॉलेशन हो जाए उसके बाद बारिश आए तो चलेगा, क्योंकि इतना थोड़ा ही बाकी है, बाकी हो चुका है। और एक मिरर देख सकते हो,
अभी तो इसके ऊपर का थोड़ा रैप चढ़ा हुआ है प्लास्टिक का, वो निकाल लेंगे दोनों। हाँ तो इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हो ये थोड़ा इसका फ्रेम ये ब्लू है क्योंकि ये डे एंड मतलब नाइट के लिए बहुत यूज़फुल है। जैसे अपने ये जो वाला मिरर रहता है ना, इसमें क्या कोई भी जो अपने को अपर डिपर मारता था कि अपने फेस पे क्या रिफ्लेक्ट होता है तो अपने को क्या ब्लाइंड स्पॉट्स हो जाता है, अपने को दिखता नहीं। तो इसमें क्या दिखेगा ये मतलब ये पूरा अपना जो मिरर है पूरा ब्लू है, आप देख सकते हो पूरा ब्लू है। ये वाला भी रियल है, फाइनल लुक ये इंस्टॉल हो चुका है अपना बाइक पे, तो ऐसा लुक दे रहा है। थोड़ा बहुत नट फिट करना होगा, बस टाइट करना होगा उतना ही है। बाकी आप लुक चेक करो बाइक का कैसा लग रहा है, अपने को कमेंट सेक्शन में बताओ ये बाइक का लुक कैसा आ रहा है। ये आगे से भी बाइक का लुक तो ऐसा अच्छा आ रहा है, एकदम प्यारा लुक दे रहा है बाइक का। बस अभी एक बार रोड पे चला के देखेंगे, बस तब पता चलेगा अपने को कैसे इसका लुक आ रहा है क्या आ रहा है। तो प्लास्टिक वगैरह यहाँ से निकाल के अपने ये हो गया इंस्टॉल। और मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, यहाँ पे जो कोई पूरा खाली रहेगा ना तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ ब्लैक कलर का मतलब रिंग जैसा आता है वो यहाँ पे लगा दूंगा। मैंने मेरी जूनियर वाली अपाची थी ना उसमें भी लगाया था, तो ये वाला इधर भी लगा दूंगा तो थोड़ा बहुत लुक अच्छा लगेगा। इधर एक लगा दूंगा और एक ये एक साइड लगा दूंगा, तो क्या दोनों साइड का लुक थोड़ा अच्छा, ये साइड तो भी थोड़ा अच्छा दिख रहा है लुक, बट ये साइड थोड़ा एक्सीलेटर है ना तो थोड़ा ऐसे एक्सीलेटर को ऐसे करके मेरे को लगाना पड़ेगा। बाकी तो हो गया, एडजस्ट हो गया, पूरा टाइट हो गया, ये भी टाइट हो गया, वो भी टाइट हो गया, उसको थोड़ा टाइट कर रहे हैं। तो बस ठीक है, यहाँ जहाँ भी नट है ना वहाँ पे क्या मैं उसको पैक करने के लिए अलग अलग पैकिंग दिया कि उसको रस्ट ना लगे। अभी बारिश है तो ऑलमोस्ट ये सब पे रस्ट लग जाता है, मैंने आप लोगों को बताया। मेरा इधर एक नट था देखो, इस पर भी रस्ट हो गया, तो उसके मेरे को देखना पड़ेगा। इसके लिए बाइक में बारिश को क्या बाइक को क्या ज़्यादा बारिश में निकालता नहीं हूँ, यही एक डर है मेरे को कि रस्ट हो जाता बाइक पे इसके लिए। तो कुछ नहीं, अभी बस फाइनल लुक थोड़ा बहुत जो नट वगैरह वो टाइट करते और फिर अपने यहाँ से निकालते, फिर मैं आप लोग को फाइनल लुक दिखाता हूँ कैसा क्या है अपना बाइक का रहेगा वो। तो मिरर तो क्या एडजस्ट हो गया, आप देख सकते हो एकदम बराबर है। बस मैं एक बार बैठ के देख रहा था कि मेरे को मिरर सेट हो गया कि नहीं हो गया, अभी मिरर तो बराबर सेट हो गया दोनों साइड से। तो बस अभी यहाँ तो बाइक का आप ओवरऑल लुक देख सकते हो फाइनल लुक, ये अपना जो मिरर था इंस्टॉल हो चुका है। मैंने आगे से रखा है क्योंकि यहाँ पे अगर ब्रेक अप्लाई करते, देखो यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे देखो मैंने आगे से रखा क्योंकि मैं क्लच दबाता हूँ ना तो यहाँ पे टच हो जा रहा है, तो क्या फिर ज़्यादा आगे करना पड़े, जिसके लिए मैंने ज़्यादा आगे किया तो मेरे को पीछे रखना था क्योंकि क्लच की वजह से क्या मेरे को इतना आगे रखना पड़ रहा है। और ओवरऑल लुक आप देख सकते हो गया, फिटिंग हो गया कांच मिरर अपना बराबर। और अभी पुराने वाले को रखते हैं बैग में, ये बॉक्स भी अपने को बॉक्स में साथ में क्या मिला नट्स है और एक एलन की है साथ में मिली अपने को, और ये अपना नट ये अपना ये जो बाइक पे लग के आया था। तो बस कुछ नहीं, ऐसे भी निकलते हो गया इंस्टॉल। अभी बारिश भी आने वाली, उसके पहले मेरे को घर पे जाना है, देख सकते हो बारिश कभी भी आ सकती है, पूरा मौसम होंगे पूरा बादल काल होगा, यहाँ से निकलते अपने फटाफट। बिकॉज अभी जस्ट मैं पार्किंग में आया तो आप देख सकते हो क्या प्यारा लुक आ रहा है। एक बार मैं बाइक को इग्निशन ऑन करता हूँ अपने आगे का DRL के साथ, इसको देखते हैं हाँ क्या अच्छा प्यारा लुक आ रहा है अपने बाइक का। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था कि मेरे को बाइक में अपने ये बार मिरर उसको इंस्टॉल करवाना था, अपने बाइक पे प्यारा लुक दे रहा है। अभी तक मैंने देखा किसी ने इंस्टॉल करवाया नहीं अभी तक बार मिरर अपना, जिससे अपाची RTR 310 में मेरे को लगता है अब तक कम गया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोग का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।